देश की राजधानी दिल्ली में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान आने और भारी बारिश के कारण 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। शहर में कई पेड़ उखड़ गए, सड़क और हवाई यातायात बाधित हुआ। ऐतिहासिक जामा मस्जिद समेत कई इमारतें तथा वाहनों को नुकसान पहुंचा। तेज आंधी में यमुना बाजार स्थित हनुमान मंदिर मरघट वाले बाबा के पास ऐतिहासिक दीवार का हिस्सा ढह गया। इसके अलावा ऐतिहासिक जामा मस्जिद के गुंबद और अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि मस्जिद की एक मीनार और अन्य हिस्सों से पत्थर टूटकर गिरने से 2 लोग घायल हो गए। जामिया मिलिया इस्लामिया के भीतर भी कई पेड़ उखड़ गए और इमारत की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हुई। भारी बारिश और तेज हवाओं से कई स्थानों पर दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए राष्ट्रध्वज भी क्षतिग्रस्त हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक साल 2018 के बाद से दिल्ली में गंभीर तीव्रता का ये पहला तूफान है। देश में मानसून के प्रवेश के पहले ही राजस्थान से लेकर बांग्लादेश तक बनी ट्रफ लाइन कमाल दिखा रही है। इसका असर बिहार में भी दिखने वाला है। मौसम विभाग ने इसके लिए उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान पर सक्रिय एक पश्चिमी विक्षोभ को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति बनी है। दिल्ली में मंगलवार के दिन भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली के लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार के बाद आसमान साफ हो जाएगा और तापमान में इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।